विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। अपने खड़ग के प्रहार से तुम सभी का खंड खंड करूंगी मैं। दुस्साहस माया सुरासई को चुनौती दी है तुमने, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। भस्म करूंगी तुम सभी को अपनी माया से। माँ, नहीं, मैं आपको ये कदापि नहीं करने दूंगी। अधर्म पर विजय अधर्म से नहीं अपितु धर्म से ही पाई जा सकती है। एक पुत्री होने की मर्यादा भंग मत करो, अपनी ही माता पर वार मत करो, यही धर्म है। अच्छा हुआ बालक जो तुम स्वयं माया से युद्ध करने चले आए। तुम्हें विजय का उत्सव नहीं मनाने दूंगी मैं, प्रतिशोध लूंगी अपने पिता का, अपने पुत्रों का, तुमसे और इन देवताओं से। सावधान हो जाओ बालक, अभी माया सुरासई पराजित नहीं हुई है। पराजय स्वीकार करो अथवा नहीं, किंतु इससे सत्य तो नहीं पलट जाएगा। और सत्य तो ये है कि अब हारने के लिए आपके पास कुछ शेष है ही नहीं। सब कुछ तो हार चुकी हैं आप, अब बचा क्या है आपके पास? ना पुत्र है, ना पौत्र, ना राज सिंहासन है और ना ही राज्य। विजयी भव, ये आशीष पाया था मैंने स्वयं महर्षि कश्यप से। उनका दिया आशीष व्यर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए अब तक जो भी हुआ सो हुआ, अंत में विजय तो मेरी ही होगी। विजय यदि स्वयं के विकारों पर प्राप्त करनी तो वो तो कभी भी संभव है। कदाचित महर्षि कश्यप ने उसी विजय का आशीष दिया होगा आपको। विजय स्वयं पर नहीं शत्रु पर होती है, वही विजय चाहिए मुझे। अब भी जिस विजय की कामना आप कर रही हैं, यदि वो विजय आपको प्राप्त हो भी गई तो उसका लाभ क्या है? कौन भोगेगा उस विजय को?
जो भोग सकते थे उन्हें तो मृत्यु के मुख में पहले ही झोंक चुकी हैं आप। नहीं, मैंने नहीं, तुमने। अधर्म की ये जो ज्वाला आपके हृदय में सुलग रही है, यदि उसके स्थान पर आपने धर्म की ज्योति प्रज्वलित की होती, यदि उसी दिन धर्म का मार्ग अपना लिया होता जिस दिन पुत्र जयंत ने आपको धर्म का मार्ग सुझाया था, तो कदाचित आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता माता सुरा सही। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी एवं उनके भ्राता विघ्नहर्ता श्री गणेश शीघ्र यहाँ पधारकर धर्म की स्थापना करने वाले हैं। अतः त्याग दीजिए अधर्म के इस मार्ग को एवं समर्पण कर दीजिए परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय के समक्ष। किंतु उस निर्मल हृदय भक्त जयंत के शब्दों का आप पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। यदि आप उसकी बात मान लेती तो आज आपके पुत्र आपके साथ होते, जो आपका मान करते, पौत्र होते, पर पौत्र होते, जो आपके द्वारा स्थापित इस असुर साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाते, आपको एक माँ को मिलने वाला स्नेह भी प्राप्त होता और एक राजमाता को मिलने वाला सम्मान भी। अब किसे आशीष देंगी आप? कौन करेगा आपका सम्मान? सभी को तो खो चुकी हैं आप अपने वर्चस्व की लालसा में, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के कारण। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है अपने पुत्रों के लिए ही किया है। यदि वो कुछ कह सकते तो अपने शब्दों में मेरा समर्थन ही करते। उचित है, सत्य की परीक्षा भी अभी ही हो जाएगी। यदि आपका यही विचार है तो आप स्वयं अपने पुत्रों के मुख से ही क्यों नहीं सुन लेती? उन्हीं से सुन लीजिए उनके मन के भाव। लीजिए माया सुरा सही, स्वर्ग में हैं आप, आपके पुत्र पौत्र सभी यहीं हैं। जाइए, जाकर मिल लीजिए उनसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा सम्मान करेंगे वो, अवश्य कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। अग्निमुख, अग्निमुख, क्या हुआ देवी? कि क्या सहायता कर सकता हूं? मैं तुम्हारी दादी माँ हूं, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? भानुकोपन, भानुकोपन तो मेरा सबसे प्रिय था, मेरा सम्मान करता था, मुझे अवश्य पहचानेगा। भानुकोपन, भानुकोपन, कौन है आप? यहां बार बार हम सबको क्यों सता रही हैं? स्वर्ग में हमारे सुख में व्यवधान क्यों डाल रही हैं? स्वर्ग क्या प्राप्त हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रहे, किंतु कोई बात नहीं, मेरे पुत्र मुझे अवश्य पहचानेंगे। सिंहमुख, आप किसे ढूंढ रही हैं यहाँ और कौन है आपके पुत्र? मैं
सूरापद्मन, मेरा ज्येष्ठ पुत्र मुझे पहचानने में भूल नहीं करेगा, है ना पुत्र? माता, देखा देखा, मैंने कहा था ना, तेरा ज्येष्ठ पुत्र सूरापद्मन मुझे अवश्य पहचानेगा, और तुमने मेरे विश्वास का मान रखा। सत्य कहो, बता दो सबको कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पुत्र और परिवार की सुख समृद्धि पर न्योछावर किया है, बता दो सबको। क्षमा कीजिए माता, मुझे ज्ञात नहीं कि हमारा कोई परिचय है भी या नहीं। आप वास्तव में मेरी माता है भी या नहीं? यदि आप मेरी माता है तो इस जन्म में, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो निरंतर गतिमान रहता है। जब शरीर मिटता है तब सारे सांसारिक संबंध मिट जाते हैं और एक ही संबंध शेष रहता है, आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञाता है, परम ब्रह्म है। आप उन्हें पहचानो, तभी आपके दुख मिटेंगे, आपका उद्धार होगा। सत्य कहा, तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा को, पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को, पहचानिए परम ब्रह्म प्रभु कार्तिकेय, पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। बस एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं, बस। दिव्यता से भरा है वातावरण, तो क्या प्रभु, मेरे प्रभु? प्रणाम प्रभु। Namah Namah Parvameshwara Maha.
क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस धूर्त कुटिल कपटी पापिन को क्षमा कर दीजिए। अपने हट में मैंने अनेकों पाप किए और आपने मुझे अनेकों अवसर भी दिए, किंतु मैं ही आपको पहचान न सकी। अपने पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, अब कैसे क्षमा मांगू उनसे? आप ही क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। षाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। उठिए माते, अपनी भूलों को स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना धर्म के मार्ग पर प्रथम पग होता है। वो मुझसे क्षमा भी पाता है और मेरी दया का पात्र भी बनता है। मैं आपको ये आशीष देता हूं कि आपके पुत्र सूरापद्मन के साथ युद्ध के मेरे ये 6 दिन संसार सदैव स्मरण रखेगा। यह प्रसंग स्कंद शक्ति के नाम से जाना जाएगा, के नाम से जाना जाएगा, के नाम से जाना जाएगा, के नाम से जाना जाएगा। और उसकी मृत्यु का यह दिन सुर संहारण के साथ धर्म स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाएगा। देवी, देखा आपने, महर्षि कश्यप का वरदान व्यर्थ नहीं हुआ। जिस प्रकार आज आपने अपने विकारों पर विजय पाई है, उसी प्रकार चंद्र पक्ष के कार्तिक के प्रथम दिन प्रथमई को जो भी 6 महीनों का व्रत आरंभ करेगा, वो अपने भीतर के सभी विकारों से मुक्ति पाएगा और परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की कृपा भी पाएगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सर्वथा अतुलनीय है तुम्हारी भक्ति जयंत, इसीलिए मैं तुम्हें ये आशीष देता हूँ पुत्र जयंत, कि स्कंद षष्ठी का ये पर्व तुम्हारी महानतम भक्ति पर्व के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रभु, आप मुझे यहाँ से स्वयं मुक्त कराने आए, मुझे आपके दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उससे अधिक मैंने कुछ पाने की कोई आशा कहाँ की थी। प्रभु कृपा आरंभ होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती जयंत, अभी तो और भी कुछ शेष है। अब तो प्रभु तुम्हें तुम्हारी बहन देवी देवसेना के पास ले जाएंगे, वो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवसेना, भ्राता, आपके लिए कल्पनाओं की उड़ान सत्य बनने में कितनी देर लगेगी? बस एक उड़ान भरकर वहां पहुंचना ही तो है। प्रभु ने अपने विश्व रूप स्वरूप के दर्शन भी दिए, अर्थात युद्ध में विजयी होकर वो अब लौट रहे हैं और किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। हे प्रभु, युद्ध का अंत हुआ, अब आप भी चिंता का अंत कीजिए। शत्रु पर विजय तो फिर भी प्राप्त की जा सकती है, किंतु किसी के मन पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं। भ्राता कार्तिकेय ने अभी तक विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दी है और हमें उन्हें 2 कन्याओं
भाभी माँ देवसेना और देवी श्री वल्ली से विवाह के लिए मनाना है। दो कन्याओं से विवाह प्रभु? हाँ मूषक जी, पिछले जन्म में दोनों ही मामा श्री प्रभु नारायण की पुत्रियाँ थी, जिन्हें भ्राता कार्तिकेय ने विवाह का वचन दिया था। यही नियति है जो सत्य होगी। हमें शीघ्रता करनी होगी मूषक जी, भाभी माँ देवसेना भ्राता कार्तिकेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। वल्ली थी तो उसके जाने की प्रतीक्षा थी, चली गई तो प्रभु के आने की प्रतीक्षा। मेरे जीवन की ये लंबी प्रतीक्षा अब कब समाप्त होगी प्रभु? असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। पुत्री, विवाह के लिए मनाने में अब कोई समस्या नहीं होगी। अर्थात हमारी समस्या का एक भाग तो सुलझ गया। कार्तिकेय की कृपा से मैं सुरक्षित लौट आया। मुझे ज्ञात था प्रभु कार्तिकेय की जिस पर कृपा हो उसका भाग्य उससे कभी नहीं रोक सकता। और फिर तुमने भी तो अपार साहस किया है। गणेश जी, इन दोनों की दृष्टि और भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती और आकाश एक साथ आए हों, जैसे सुगंध और सुमन का एकाकार हो रहा हो। अब और विलंब उचित नहीं गणेश जी, अभी और इसी क्षण इन दोनों के इस भाव को मूर्त रूप दे दीजिए, जैसे सेनापति कुमार कार्तिकेय देव सेना को अपनी भावी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। उचित शब्द उचित समय और स्थान देखकर ही कहे जाने चाहिए देवराज, तभी उनका प्रभाव होता है। यहाँ कदाचित वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार ना करें, किंतु माता एवं पिताश्री के समक्ष वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, हमारा थोड़ी और प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। हाँ, इसलिए अभी हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो पल अब बहुत दूर नहीं जब दीदी भक्ति में अद्भुत शक्ति है। स्वयं मेरे प्रभु ने आकर मेरी रक्षा की और मेरे विश्वास को भी सच किया, इसलिए
वो आपकी भक्ति का भी फल अवश्य देंगे और तब आपके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। विश्वास नहीं होता तो स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से पूछ लीजिए। शीघ्रता करो जयंत, हमें यहाँ से निकलना होगा। शीघ्र ही वो घड़ी आने वाली है जब भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना के साथ होगा। ओह, जयंत तो भ्राता के विवाह की बात छेड़ने जा रहा है, कहीं उसके इस प्रकार कहने पर भ्राता का मन पलट ना जाए। मैंने कहा था दीदी कि भक्ति का संबंध अब भक्ति की यात्रा पूर्ण होने पर ही स्पष्ट होगा, अर्थात कैलाश पहुंचने के बाद, जब हम सभी को पिताश्री और माता का आशीष प्राप्त होगा। तुमने सर्वथा उचित कहा गणेश, पिताश्री और माँ के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हम इस विजय को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसीलिए अब हमें एक भी क्षण विलंब किए बिना शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो वही स्थान है जहाँ गणेश जी ने अपने वाहन मूषक जी को पाया था। जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? हाँ प्रभु। ये स्थान तो अत्यंत पावन है। ये स्थान ही नहीं, आने वाला तो दिन भी विशेष है। इस विशेष दिन और विशेष स्थान पर रुके बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? रुकिए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। अवश्य, क्यों नहीं, कहिए ना भा। क्या हम यहाँ एक दिन और रुक सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण सेना के साथ यदि हम ऐसे ही कैलाश की यात्रा करते रहे तो कल तक हम आधा मार्ग ही पूर्ण कर सकेंगे। वहाँ उन झाड़ियों में कुछ है क्या? और मार्ग के मध्य में तो उत्सव नहीं मनाया जा सकता ना? उत्सव? पर क्यों? क्यों? क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, अर्थात हम सबके प्रिय माँ पार्वती नंदन गणेश जी का जन्म दिवस है। इसलिए हम सबको विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाकर ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मूषक जी? हाँ हाँ, उत्तम, अति उत्तम विचार है ये। मूषक जी यहाँ है तो वहाँ मैंने किसे देखा था? प्रतीत होता है मूषक जी पर कोई नवीन संकट आने वाला है। वास्तविक विजय शक्ति और बाहुबल से धन संपत्ति और राज्य प्राप्त करना नहीं, वरन धर्म से अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त करना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।